लखनऊ से बड़ी खबर, वसीम रिजवी पर लगा बलात्कार का आरोप, उसके ही ड्राइवर की पत्नी ने लगाया है आरोप। 5 महीने पहले पति को दूसरे शहर भेजकर किया था बलात्कार, अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर दी खामोश रहने की हिदायत। बेइज्जती के डर से महिला रही खामोश। 11 जून को महिला के पति को वसीम रिजवी ने पीटा। महिला के मुताबिक रोजाना मिल रही है जान से मारने की धमकी। धमकियों से परेशान होकर महिला ने लगाई पुलिस से गुहार। स्थानीय पार्षद और वकीलों के साथ महिला पहुंची थाने। लखनऊ के शहादतगंज कोतवाली का है मामला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ के शहादतगंज थाने से आ रही है, जहां पहुंची महिला ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला की माने तो उसका पति वसीम रिजवी का ड्राइवर है। कुछ महीनों पहले वसीम ने उसके पति को दूसरे शहर भेजा था और उसके बाद ही महिला के साथ बलात्कार किया। महिला के मुताबिक वसीम ने जान से मारने की धमकी देते हुए मुंह बंद रखने की हिदायत भी दी थी। साथ ही वसीम ने महिला का अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिया, जिसके बिना पर वो लगातार महिला को परेशान कर रहा है। रोज रोज की दिक्कतों से तंग आकर महिला स्थानीय पार्षद और वकीलों के साथ थाने पहुंच गई। और आप बीती बताइए, अरे न्याय आपको मिलेगा ही, आपके साथ क्या हुआ है बताइए, कैमरे के सामने बताइए क्या हुआ, क्या रेप किया है, ये ले आइए आपको, बोलिए बोलिए आपकी आवाज बहुत उठ जाएगी, पब्लिक बहुत आएगी आपके साथ, बच्चा पूरा शहर आप साथ में, सारे राष्ट्रवादी लोग हैं वो सब आगे नहीं खड़े होंगे, यहां बालिका जाएंगे आप लोग, यहां कमिश्नर मेरे साथ किसको सिर जेल पहुंचाएंगे आप लोग, बस आप ही कहेंगे हम न्यायपालिका जाएंगे कहीं ना कहीं जाएंगे, अरे न्याय आपको मिलेगा आपकी बात कहीं ना कहीं आपके साथ क्या हुआ है बताइए, कैमरे के सामने बताइए क्या रेप किया है, ये बोलिए 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 आपके बाद वोट हो जाएगी, पब्लिक बहुत आएगी आप साथ में, पूरा दिया जाएगा पूरा शहर आप साथ में, सारे लोग हैं वो सब आपके साथ हैं, कोई पहुंच ही नहीं है, किसी के घर में क्या कर रहे हैं, अभी धमकी दे देना के आदमी आ रहा तो सामान डाले ले जा, इनको मारा, इनको को मारा, को मारा, सुनिया दिखा रहे, सब कुछ दिखा रहे, पांच महीने पहले, 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 शाही करता है वो, कहने लगा चाकू दिखाकर महिले में दिखाई थे मारने, हमने तो बुधवार देना, हमने जो होगा देखा जाएगा, वसीम रिजवी के खिलाफ आज आई है, हमको मारा आज हमारी पैर पे कुचल दिया, हमने बदतमीज आदमी है एक नंबर का, वो इसको गोली खाता है नशे की, इनको मारा उनकी महिला के साथ, हमारा घर खाली करा लिया, घर शिया का है वो, मौलवी के शिया के खाली की जगह पर बोर्ड का चेयरमैन, ये उनकी बाप के पॉवर्टी ने जो इन्हें खाली करा ली, हम मौलवी शिया खाली की जगह पे रहते हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।